नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। धान बेचने आ रहे किसान वापस लौट रहे हैं मायूस होकर। दो दिन में सिरसा अनाज मंडी में कोई भी ढेरी नहीं बिकी। ट्रालियों में भरकर धान लेकर आए किसान भी वापस लौटे। एक ने कहा कि फसल में नमी नहीं थी, तो दूसरे ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। सिरसा अनाज मंडी में धान की सरकारी खरीद में शुरू हुए दूसरा दिन हो चुका है। अभी तक किसी भी किसान की फसल मंडी में नहीं बिकी है। ऐसा भी नहीं है कि किसान फसल लेकर नहीं पहुंचा। दो दिन में मात्र दो ट्राली धान मंडी पहुंची। एक किसान को धान में नमी ज़्यादा होने की बात कहकर वापस भेज दिया गया, तो दूसरे किसान को फसल बेचने के लिए खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। प्राइवेट खरीदार आए, फसल देखी और वापस लौट गए। सरकारी खरीद के लिए नुमाइंदे दोपहर तक पहुंचे। आज ही मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन देखा। किसान का रजिस्ट्रेशन नहीं था, तो उसे फसल लेकर वापस जाने के लिए आदेश दिए गए। ऐसे में किसान को फसल बेचने के लिए खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ आढ़ती भी फसल रखवाने के लिए तैयार नहीं। कहा गया कि अभी तक आढ़ती एसोसिएशन ने किसान की धान की फसल खरीदने और रखने के लिए फैसला नहीं लिया। ऐसे में किसानों की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़नी लाजमी है। वहीं मार्केट कमेटी के सचिव विकास सेतिया ने दावा किया है कि मंडी में फसल खरीद को लेकर के प्रबंध पूरे किए गए हैं। सिरसा अनाज मंडी में और उसके अलावा धान की खरीद के लिए 3 खरीद केंद्र और भी बनाए गए हैं, ताकि किसानों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। उनके लिए उन्होंने कहा कि पिछले 24,000 क्विंटल धान की खरीद हुई थी और इस वर्ष ज़्यादा फसल आने की उम्मीद है। पल पल सिरसा से अमर सिंह चाणी की विशेष रिपोर्ट। मैं सुबह से लाके खड़ा हूँ जी, यहाँ परेशान हूँ जी, आ रहे हैं जी, धान खरीद रहे नहीं जी, देख देख के कोई कमी तो बताए जी हमारे धान में भी। आपका धान में मॉइस्चराइजर है या भी गीला है? बिल्कुल सूखा धान लेके आया हूँ जी, कोई आके देख ही नहीं रहा जी। वैसे सरकार कह रही है अभी एक एक दाना खरीदेंगे हम, और किसान देखो जी क्या दुर्दशा हो रही है सरकार की। नहीं, अभी तक जो प्राइवेट जितने आए हैं वो देखे गए? हाँ, वो देखे गए हैं, वो कह हम मिलेंगे भी धान के, वो भी कमी तो बताओ कोई। चलो हमारे पास तो आखिरी इलाज है जी, घर ले जाएंगे, पर इसमें कोई कमी तो बताओ भी, ये कमी अभी नहीं ले रहे आपने। एक एकड़ का है जी, ये हो जाएगा 70-80 मन हो जाएगा जी। थोड़ा बारिश से डिग गया था जी, इसके कारण थोड़ा सा कम होएगा जी। मंडी में हमने सफाई पानी बिजली की व्यवस्था पूरी कर रखी है, और अपने यहाँ पे जो सरकारी धान की खरीद होनी है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन हमारे एरिया में कुछ दिन लेट आती है फसल, क्योंकि बिजाई हमारे एरिया में लेट होती है, तो जैसे ही कोई भी ढेरी आएगी तो हम बिकवा देंगे उसको। आज एक जमींदार आया हुआ है, तो मैंने अपना स्टाफ भेज दिया है, तो आज उसकी हम करवा देंगे परचेज। पिछले साल 24,240 क्विंटल आवक हुई थी जो सरकारी खरीद हुई थी। किसानों का हम शेड्यूल बना के दे देंगे, जैसे जैसे किसानों की मांग आएगी उसके अनुसार हम उनका शेड्यूल फिक्स कर देंगे। और इस बार अतिरिक्त परचेज सेंटर भी बनाए गए हैं 3 धान खरीद के लिए, उसमें दड़बी है, भावदीन है और मल्ले का है। 17% की थी, तो अभी हमें मैसेज मिला है कि शायद सरकार ने बढ़ा के उसको 19% तक कर दिया है। और जो किसान की 25 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीद होनी थी वो अब 30 क्विंटल कर दी गई है, और मौके पे अगर 10% और एक्स्ट्रा भी आ जाता है किसान का तो वो भी लेंगे, तो 33 क्विंटल तक पर एकड़ का किसान से खरीद किया जाएगा।